हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं? तो मैं अभी आ गया हूँ सूरत के सड़कों के ऊपर। तो कैसे हैं? तो आज है मंडे का दिन, तो दिनांक 21 नवंबर 2022। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। तो मैं अभी सूरत के सड़कों पे आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। वैसे ही घूमने आया था शाम में, थोड़ा काफ़ी दिनों के बाद। देखते हैं कैसा है यहाँ पे। तो देखिए ये स्ट्रीट वगैरह का रोड है यहाँ पे। तो अच्छा मौसम अभी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, काफ़ी गाड़ियाँ देख रहे हैं यहाँ पे। पिज्ज़ा वगैरह, बिलियंस पिज्ज़ा सेंटर वगैरह है। तो कुछ नाश्ता वगैरह भी करेंगे हम। तो बाकी स्ट्रीट यहाँ पे तो है ही काफ़ी। KTM का शोरूम भी है हमारे सामने ही, चलिए देखते हैं। अभी हम सफर स्क्वायर के पास आए हैं, तो यहाँ पे सामने हमारे KTM के शोरूम है। तो आप यहाँ से KTM का ले सकते हैं। बाकी Kawasaki का सर्विस सेंटर भी है तो यहाँ पे। तो पूरा अच्छा अच्छा आपको कलेक्शन मिलेगा बाइक का। तो देख रहे हैं पूरा KTM का शोरूम हमारे पीछे। इसके अलावा निंजा आपको यहाँ मिलेगा Kawasaki का, अच्छे अच्छे गाड़ी है Kawasaki का पूरा। और इसके बाहर मैं निकलता हूँ तो यहाँ से सामने रोड। तो गाइस हम अभी स्ट्रीट पे घूम रहे हैं, ये सर्विस रोड है सामने। तो शाम हो चुकी है, अभी टाइम आपको मैं बता देता हूँ, 6:15 हो चुका है। तो जल्दी शाम हो रहा है आजकल, ठंडी का मौसम भी आ चुका है। तो धीरे धीरे मौसम ठंडा भी हो जाएगा अभी। तो ये सामने रोड, तो देखें यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लोर भी कर देता हूँ। तो पूरा ये साइड पूरा स्ट्रीट फूड ही है, मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करेगा यहाँ से। अब जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी तो स्ट्रीट फूड है यहाँ पे, फ्रेंकी वगैरह है हर जगह। तो इधर देखिए पान सेंटर, तो काफ़ी लंबी दूरी तक स्ट्रीट फूड ही है सामने। तो इधर का दिखाता हूँ नज़ारा। आज देखिए अभी शोरमा खाने का मन हो गया, तो यहाँ पे भेज शोरमा मिल रहा है। तो हम लोग अभी इंजॉय करेंगे पहले। तो चार ऑर्डर कर दिया है 4 लोगों के लिए, खाते हैं फिर आपको बताते हैं कैसा है। तो आज आ चुका है अपना ऑर्डर, चलिए खाते हैं। बिरयानी मस्त गर्मा गर्म बना दिया है शोरमा, देख रहे हैं भाई लोग शुरू भी हो गया है। तो गाइस चलेंगे, अभी आगे हम लोग वहाँ से खाना खा के तो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा वॉक कर लेते हैं क्या है यहाँ पे। तो भाई अपना देखिए यहाँ पे फ़ोटो क्लिकिंग करवा रहा है, एक बोल रेस्टोरेंट है यहाँ पे, अच्छा है, मस्त व्यू बनाया गया है। चलेंगे हम लोग आगे, इस रोड में पूरा स्ट्रीट फूड है। तो देखिए तो कितना मस्त सजावट किया गया, कृष्णा एवन करके, तो पूरा फुल रेस्टोरेंट है इधर। आपको पूरा डिनर का मज़ा करने का आएगा, पूरा सेटअप देख रहे हैं कितना अच्छा सेटअप है। आपको मैं तो पीछे होकर दिखाता हूँ, तो आपको जो भी है यहाँ पे खाना है खा सकते हैं। आपको अंदर पूरा वहाँ पे किचन का सेटअप है। तो चलते हैं आगे, चलो वॉक करेंगे फिर कुछ खाने का प्लान करेंगे। तब तक पहले देख लेते हैं क्या क्या अवेलेबिलिटी है और क्या मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बैठने का आप स्टैंडर्ड मस्त है, ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे मसाज वगैरह के लिए भी अवेलेबल है, यहाँ पे मसाज वगैरह आप कर सकते हैं। तो काफ़ी सुविधा है यहाँ पे। हम लोग जाएंगे अभी दूसरे साइड। तो पराठा का सेंटर यहाँ पे काफ़ी है हर जगह स्ट्रीट फूड पे, देख रहे हैं। तो गेम देखे, तो यहाँ पे फूड पार्क है, गेम्स है, तो फन गेम्स। चलिए इसके अंदर हम लोग चलते हैं कैसा है, तो देखते हैं फिर। देख यहाँ पे बच्चों के लिए तो मस्त यहाँ पे व्यवस्था है, कैफे डिप। तो यहाँ पे देखे बच्चों के लिए खेलने के लिए बेसिकली, तो आप बच्चे के साथ यहाँ पे आ सकते हैं, इंजॉय कर सकता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये है पूरा यहाँ पे
देखे छोटा बहुत झील टाइप भजन से बनाया है। ऊपर मस्त बैठने का व्यवस्था है, प्राइम शॉपर हमारे सामने है। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों का गेम है बेसिकली, देखिए वहाँ सामने गाड़ी है तो बच्चे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो उसी का ये बनाया हुआ है प्रॉपर। देखिए रोड के हम लोग दूसरी साइड अभी आ चुके हैं, तो हमारे सामने देखिए ऑडी चॉकलेट है, ये देखिए यहाँ पे प्राइम शॉपर्स ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है, काफ़ी यहाँ पे दुकान है, पिज्ज़ा का भी है। इसके अलावा हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा जूस पियेंगे, तो यहाँ पे देखिए रोड के सामने थे हम, रोड के अपोजिट आए हैं। तो यहाँ पे सामने फ्रेश जूस है, तो देखिए ट्राई करते हैं हम लोग जूस फिर जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो भी जूस चाहिए आपको मिलेगा अवेलेबल। ये फ्रूट ही खाते हैं यार, देखा मस्त ऐसे खा लेते हैं जूस से अच्छा वो है। A few moments later. तो गाइस अभी आ चुके हैं लोग थोड़ी और पीछे के साइड, घर जाने की साइड हो तो सामने एक मॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वीआर मॉल है, थोड़ा उसमें देखते हैं कुछ शॉपिंग होगा तो करेंगे फिर हम लोग जाएंगे। तो रोड क्रॉस करते हैं, रोड के हम लोग अभी अपोजिट साइड हैं। तो गाइस हमारे सामने है वीआर मॉल, तो देखिए वेस्ट साइड इस टाइप सब लिखा हुआ है, तो चलते हैं अंदर। पूरा बड़े बड़े ब्रांड का नाम है यहाँ पे, तो यहाँ से एंट्री करेंगे। जांच के बाद हम लोग आ चुके हैं आगे, तो देखते हैं कितना बजे तक टाइमिंग है। तो काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड है, तो यहाँ पे अच्छा लुक है, देख रहे हैं मस्त दिख रहा है अभी यहाँ पे। तो सामने मैकडोनल्ड्स, इसके अलावा मैंगो, अच्छे अच्छे ब्रांड की यहाँ पे, तो चलेंगे एंट्री करेंगे मॉल के अंदर। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक गेट है, तो हम जाएंगे अंदर। काफ़ी बढ़िया मॉल है, सामने देखे सुंदर दृश्य, घुसते हैं मेन एंट्री पे। काफ़ी लोग हैं, मंडे का दिन है इतना तो लोग भीड़ तो नहीं है, अदरवाइज भीड़ बहुत काफ़ी होती है। आपको देख रहे हैं ऊपर की दृश्य रिसेप्शन यहाँ पे। वाली है 25 दिसंबर को, उसकी भी तैयारी हो रही है, बड़े सारे लगा दिया है क्रिसमस ट्री। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे हाउस ऑफ कैंडी, कैंडी का है और यहाँ पे कुकी मैन, अच्छा है व्यवस्था पूरा। और यहाँ पे आपको केस गार्ड मिल जाएगा मोबाइल का, देख रहे हैं बड़े बड़े ब्रांड का, लड़की का शॉपिंग वगैरह का यहाँ पे काफ़ी है। इसके अलावा आपको हम लोग भी थोड़ा देखते हैं कहीं ऊपर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है ऊपर चल के। काफ़ी लंबा है यहाँ पे क्रिसमस ट्री, आपको मैं एक झलक दिखा रहा था पूरा मॉल का, कितना अच्छा है व्यू आपका पूरा। ये लाइटिंग वगैरह की गई है, लाइटिंग अभी आएगा बाद में, काफ़ी हाइट से है क्रिसमस, नीचे से है तब ये खुला नहीं है, आएगा थोड़ा नज़दीक टाइम और आएगा, काफ़ी काफ़ी दिन है इसलिए अभी बस दिख रहा है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ इंडियन टेरन, तो काफ़ी है, तो मैं पूरा ऐसा वीडियो बनाऊँगा, काफ़ी लंबा ब्लॉग बन जाएगा, जस्ट मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो बड़े बड़े ब्रांड हैं, आपको जूता से लेकर क्लॉथ से लेकर जो भी आपको चाहिए लेडीज जेंट्स, तो ऐसा भी यहाँ पर आके आप शॉपिंग कर सकते हैं। गॉगल्स का लेंस कार्ट वगैरह का देख रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे
थ्री फ्लोर है और नीचे ग्राउंड फ्लोर, चार फ्लोर है टोटल। लास्ट फ्लोर पे, तो लास्ट फ्लोर पे यहाँ पे खाने का काफ़ी है अवेलेबल, जैसे मैकडी कैफसी, इसके अलावा भी काफ़ी जो है ब्रांडेड अवेलेबल है यहाँ पे। मैं देखता हूँ, सोचता हूँ क्या करते खाने का। तो गाइस बच्चों का गाड़ी तुम खिंचा सकते फ़ोटो, काफ़ी कमज़ोर है। मतलब फाइनली अभी थर्ड फ्लोर से नीचे आ चुके हैं, तो हो गया टाइम, काफ़ी हो गया, 8:15 बज रहा है और वो निकलेंगे अभी। तो काफ़ी उन्होंने शॉपिंग कर लिया है, घूम लिया है। हमारे पीछे देखिए एक ट्रेन, तो मॉल में ऐसे रहते हैं बच्चों के लिए घूमने के लिए। इसके अलावा तो गाइस देखिए अभी यहाँ पे ये VR मॉल का एक औसम लुक आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलेंगे बाहर, हम लोग निकल चुके हैं, तो देखते हैं अभी कुछ खाएंगे और फिर चलेंगे घर। तो रात के अभी 8:30 बज चुके हैं लगभग, कल काम भी है, जॉब पे जाना है। A few moments later. तो गाइस अभी आ चुके हैं खाने के लिए, देखिए यहाँ पे बावर्ची एक होटल है, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। चलेंगे, हमने मंगा लिया है चिकन लजीज फुल और तंदूर रोटी, चलिए खाते हैं। Later. तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं रूम पे, चलिए मलोल उमा हो जाएगा, तो यही इन करते हैं, मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर आप शेयर करें, और कैसा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।